हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल शर्मा। आज हम क्लास 10वीं का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, यूनिट इन सब की डेफिनेशन को समझा था। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट क्या होता है, किसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी को अन नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या करना, कंपैरिजन करना। ओके, जैसे आप फ्रूट्स लेने जाते हो शॉप में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड में क्या रखा जाता है, जो हमारे नॉन वेट्स होते हैं, 1 kg का, 2 kg का, ठीक है, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगी। और एक साइड में क्या रखा जाएगा, एप्पल रखे जाएंगे, इनको हमें बाय करना है, हमें इनका मेजरमेंट पता नहीं, तो क्या हो गया हमारे पास, हमारे लिए क्या हो गया, वो अन नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो उनके कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। ओके, यूनिट हमने मेजरमेंट को क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, ठीक है। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गई। अगर हमने लेंथ को मेजर करना है तो हमने क्या स्टैंडर्ड दे दिया उसको, मीटर, ठीक है, वो स्टैंडर्ड क्या है, मीटर। अगर हमने वेट मेजर करना है तो हमने क्या बोल दिया, किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है, स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया कि हम किलोग्राम उसको नाम देंगे, तो उसको क्या बोल दिया हमने, यूनिट। ओके, फिर हमने फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के टाइप्स पढ़े थे। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 types की होती हैं, ठीक है। पहले कौन सी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनकी जो यूनिट्स होंगी उनको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, स्लैश करके लिखा हो मैंने, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरी कौन सी थी फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, या बोल सकते हैं डिराइव्ड यूनिट। फिर हमने क्या स्टडी किया था कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 7 है, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 हो गई, ठीक है। इनको हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहा, ठीक है, क्यों कहा हमने इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जैसे आपका टाइम है, ठीक है, टाइम मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टाइम को खुद से डिपेंड कर सकते हैं, और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, ठीक है। जैसे आपकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसके यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर, वो क्या हो जाएंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं स्पीड, स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, ठीक है। स्पीड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड है, उसको डिराइव करना पड़ता है, उसको हम अकेले से नहीं बता सकते हैं, इसको बताने के लिए हमें एक डिस्टेंस की मदद लेनी पड़ेगी और एक टाइम की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड कर रही है ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर और सेकंड के ऊपर, अगर फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रही है तो इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, जैसे डेंसिटी हो गया, ओके, डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, और उसके यूनिट क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, केजी पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं आपको। ओके, तो आपको ये मैंने लास्ट लेक्चर में काफी अच्छी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी मैंने उसमें आपको डिटेल में बताई थी, ठीक है। ओके, अब इनके साथ-साथ एक दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है, वो दो सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, एक होती है एंगल की, ठीक है, एंगल के यूनिट क्या होते हैं, रेडियन, ठीक है, एंगल थीटा, ठीक है, जो एंगल थीटा होता है उसके यूनिट कहते हैं रेडियन, आर ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। और यूनिट होते हैं स्टीरेडियन, स्टीरेडियन किसके यूनिट होते हैं, सॉलिड एंगल के, सॉलिड एंगल के। जब आपके 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, 3D ऑब्जेक्ट्स, अब देखो स्टोरी लिख लेते हैं, पहले उसको बोलेंगे हम स्टीरेडियन,
ओके सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेटिव, इन दोनों को सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। ओके इनके डायमेंशन नहीं होते, ये यूनिट्स हैं पर इनके डायमेंशन नहीं होते, आगे हम समझेंगे कि डायमेंशन क्या होते हैं ना। ओके चलिए इसका आप इतना समझ लीजिए कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, ठीक है, आपके एक एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। एंगल का मतलब एंगल दो लाइंस के बीच में होगा, जैसे एक लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी, तो उनके बीच में कितना थीटा एंगल। ओके तो इसके यूनिट क्या होंगे, रेडियन। ओके अब अगर हम बात करें जो सॉलिड एंगल होता है, मान लो हमारे इस तरह से एक कोनिकल ऑब्जेक्ट है इस तरह से 3D में, ठीक है, तो ये बीच वाला जो एंगल होगा इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूं, अब देखो यहां पर अब ये जो एंगल है सॉलिड एंगल ये ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये एंगल का किस तरह से आप इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स में हो गई। ओके ठीक है, इसको हमने ज्यादा डिटेल में नहीं अभी करना है, बस आप ये समझ लीजिए कि दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होते हैं। जो कौन कौन से यूनिट होते हैं, एक होता है आपका एंगल जिसका जिसकी जो यूनिट्स होती है रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसके यूनिट होते हैं स्टी रेडियन। ओके तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी अपने लास्ट लेक्चर में। ओके अब आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटा देता हूं। ओके अब आप यहां देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, मैंने यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो है डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। ओके अब देखिए डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन में आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया था, एक तरह की नोटेशन होगी, जैसे आपके फंडामेंटल यूनिट है मास, ठीक है, मास की जो नोटेशन है वो हम करेंगे कैपिटल एम से, कैपिटल एम से, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे इसकी क्या है, डायमेंशन है, ठीक है, और इस पे कुछ पावर भी लगी होगी, वो डिपेंड करेगा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, m की पावर 1 2 3 m की पावर 0 भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। बस आप ये समझ लीजिए कि आप जब कोई डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला किसका होता है, डायमेंशनल फार्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी का लिखा जाता है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला एक फिजिकल, जैसे अब मैं बात करूं, मैं बोलता हूं स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड का क्या है, फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये तो इसका फॉर्मूला है, पर जब हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी इधर से ही आएगा। अब मैंने क्या किया होगा, डिस्टेंस को कुछ मैंने डायमेंशन दी होगी, टाइम के लिए मैंने एक डायमेंशन दी होगी यहाँ पे, ठीक है, तो टाइम के लिए मैंने क्या डायमेंशन दी है, टी, ठीक है, और पावर क्या है, 1। ओके इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ओके जब मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इसको समझ लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशन किसकी होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी, आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके आपको मैं इसको बहुत साधारण भाषा में बताता हूँ, फिर आपको ये भी सारा समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या होता है, इसके पहले हमने बोला जो भी आपकी क्या होती है फंडामेंटल यूनिट होती है, या बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, या आपको कोई भी फंडामेंटल यूनिट होती है, वो कौन कौन सी होती है आपकी, मास लेंथ टाइम करंट, ठीक है, फिर हम बोलेंगे टेम्परेचर, चलो फिलहाल इनको लेते हैं हम, तो मास को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, ओके लेंथ को कैपिटल एल से, ठीक है, इसके डायमेंशन क्या होंगे, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को कैपिटल टी से, करंट को कैपिटल आई या तो आप ए से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टेम्परेचर को आप थीटा से आप डिनोट करते हो। ओके अब देखो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, स्पीड का मेरे को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ओके तो ये जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो किसकी टर्म में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है आपका एम एल टी, ठीक है,
अदर फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है अगर आपकी जरूरत है, ठीक है ना, अगर उनकी जरूरत है फॉर्मूले में लिखने की तो लिखी जाएंगी, बट बेसिकली किसमें लिखा जाएगा, एम एल और टी, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं स्पीड की, तो स्पीड में क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज है, ठीक है, तो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के क्या हो जाएंगे, एल और टाइम ये टी, ओके। तो देखो मेरे को यहां पर इसका स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, एल अपॉन टी, ठीक है, एल अपॉन टी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल और अपॉन टी है, टी को ऊपर लाऊंगा मैं, तो टी रेस टू पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, टी रेस टू पावर माइनस वन। क्या यहां पे स्पीड के डायमेंशनल फॉर्मूले में एम है, एम नहीं है, मास स्पीड में आता ही नहीं है, स्पीड मास के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। मेरे को यहाँ पे अगर m को भी साथ में यहाँ पे लिखना है, तो मैं m की पावर कितनी लिखूंगा, जीरो, ठीक है। आपको यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको बोलने का मतलब क्या, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ठीक है, पावर्स, उनकी पावर्स भी यहाँ पे मैटर करेगी, ठीक है, इसकी पावर क्या है, m की पावर जीरो, ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूले में अपनी पावर के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, अपनी पावर भी शो कर रहा है, m की पावर जीरो, any number raised to power 0 is equal to 1, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 10 raised to power 0 is equal to 1, 11 raised to power 0 is equal to 1, ठीक है, तो m raised to power 0 कितना हो जाएगा 1, बोलने पर इधर m था ही, ठीक है, तो हम m raised to power 0 लिख सकते हैं, l raised to power क्या हुआ 1, p raised to power क्या हुआ -1, ठीक है। तो यहां पे आपकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये स्पीड दी हमने यहां पे, स्पीड का एग्जांपल लिया है, the dimensional formula or dimension of a physical quantity are the powers to which fundamental unit of mass length time, ठीक है, mass length time, ठीक है, इनको हमने लेना है, must be raised to represent given physical quantity, ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो mass length time है, ठीक है, इनकी powers यहाँ पे देखनी है formula से, ठीक है, और उनको इस तरह से लिख देना होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है, इसको हमेशा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, अब जाकर कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, एम रेस्ट पावर जीरो, एल रेस्ट पावर वन और टी रेस्ट पावर माइनस वन, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, या तो किसी फॉर्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को बताते हैं, ओके, तो बहुत आसान है ये, ओके, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है फोर्स के लिए, पहले हम फोर्स को डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, चलो यहां पे हम लिख लेते हैं, तो मास को किससे लिखेंगे हम, कैपिटल एम से, ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने पढ़ा था क्या होता है आपका, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी स्पीड एक चीज है, वो क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एल टी
माइनस वन, ठीक है ना। जो डिस्टेंस होती है लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस और लेंथ एक ही चीज है, तो डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एल से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, तो एल टी रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है। क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, क्या आपका डायमेंशनल फॉर्मूला जाएगा एल टी माइनस वन। अभी हमने स्पीड और वेलोसिटी की चीज है, ओके, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है। नाइन्थ क्लास में आप ऐसे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। टाइम, ठीक है, टाइम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, ओके। तो अब हमारे पास क्या है, एम इंटू बी डिवाइडेड बाय टी, इसी तरह से हम इसे यहां पे लिखेंगे। एम ये क्या है, कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय एल टी माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी, ओके। अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप इसमें, तो क्या जाएगा एम एल टी माइनस वन, और ये टी जब ऊपर आएगा तो क्या जाएगा माइनस वन, तो टी माइनस वन पहले से ऊपर है, माइनस वन और ऊपर आया, ठीक है, तो माइनस वन कितना जाता है माइनस टू, ठीक है ना। जब ये टी ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आ गया, तो ये क्या जाएगा टी माइनस वन, ठीक है, तो टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन कितना जाएगा टी माइनस टू, तो आपके पास आ जाएगा एम एल t माइनस टू, ओके। तो फोर्स, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी रेस्ट पावर माइनस टू, एम की पावर कितनी है वन, एल की पावर कितनी है वन, और टी की पावर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से आप बना सकते हैं, ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो अभी यहां पे आपको एक और बता देता हूं आपको, अगर मैं बात करूं वर्क की, ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, बहुत सारे आप यहां पे फाइंड आउट करना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यहां पे आप देखिए जो आपकी फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने ऑलरेडी यहां पर ड्राइव कर लिया है, एम एल टी माइनस अब इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या होते हैं एल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एल, ओके। तो यहां पे एल से एल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ओके। तो वर्क के क्या आपके डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टू टी माइनस टू, ओके। अब आप यहां पे देखिए हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव किया, वर्क का किया, अब हम पावर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, बल्कि आगे हम देखते रहते हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी वर्क ऑन टाइम, ओके। तो वर्क के डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल रेस्ट पावर टू टी रेस्ट पावर माइनस टू, तो हम वर्क के यहां भी डायमेंशन लिख देते हैं, और डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास टाइम, तो इस तरह से आप टी लिख दीजिए, ठीक है। टी जब ऊपर आएगा तो क्या लगेगा टी रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है, टी रेस्ट पावर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस टू कितना जाएगी माइनस थ्री, तो आपका पावर के डायमेंशन हो जाएंगे एम एल टू टी माइनस थ्री, ओके। तो बहुत आसान है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओके। अब क्या बताइए क्या हो रहा है।